आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, लेक्चर 7 के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ जो हमने आपको बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि हमारे पास इन 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स में से 3 हेड्स ऑफ अकाउंट्स हमारे इक्वेशन का हिस्सा थे, लेकिन 2 हेड्स ऑफ अकाउंट्स में मौजूद नहीं थे। तो आइए तलाश करने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंग जो भी अकाउंट आपका जिस साइड पे इंक्रीज़ होता है, आप सबसे पहले उसको उस जगह पे प्लॉट करें। तो स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं कि एक साइड हमारी डेबिट साइड है और जबकि दूसरी साइड हमारी क्रेडिट साइड है। तो एसेट्स जो इंक्रीज़ हुए थे आपके, वो डेबिट साइड में इंक्रीज़ हुए थे। सिमिलरली आपके जो एक्सपेंसेस थे वो आपके डेबिट साइड में इंक्रीज़ हुए थे। जबकि बात करें तो लायबिलिटी आपकी क्रेडिट साइड में इंक्रीज़ होती थी, और इसी तरीके से आपका जो कैपिटल था वो भी आपका क्रेडिट साइड में इंक्रीज़ होता था। और जबकि रेवेन्यूज़ की बात करें तो रेवेन्यू भी आपका क्रेडिट साइड में ही इंक्रीज़ होता था। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। फिर हम आपसे बात कर लेते हैं फिर स्टूडेंट्स हम आपसे बात कर लेते हैं कि जो भी चीज़ आपकी डेबिट साइड में, यानी कि ये डेबिट साइड है आपकी और ये आपकी क्रेडिट साइड है, तो जो भी चीज़ आपकी इंक्रीज करती है डेबिट साइड में यानी कि पॉजिटिव होती है, वो क्रेडिट साइड में जाके डिक्रीज करती है यानी कि नेगेटिव के साइन के साथ लिखी जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो आपका एक्सपेंस है, मैं इसको शिफ्ट करूँगा राइट हैंड साइड के ऊपर जो कि हमारी क्रेडिट साइड है। तो यहाँ हमारे पास जो एसेट्स हैं वो रह जाएंगे और जो हमारी लायबिलिटी है इसमें कोई तब्दीली नहीं है। इसी तरीके से कैपिटल में भी स्टूडेंट्स कोई तब्दीली नहीं है। रेवेन्यूज एज इट इज अपनी जगह मौजूद हैं। और एक्सपेंस जो लेफ्ट हैंड साइड पे, डेबिट साइड पे पॉजिटिव था, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड पे आके वो नेगेटिव हो जाएगा। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपकी जितनी आमदनी होती है उसमें से अगर आप खर्चे माइनस कर दें, निकाल दें, तो जो बचता है वो आपका मुनाफा होता है। तो रेवेन्यू के हवाले से हमने बताया था अपने लेक्चर में कि रेवेन्यू बेसिकली इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट यानी कि एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट जो कि आप अर्न कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, रेवेन्यू हमारा बेसिकली आमदनी है। इस आमदनी से अगर हम खर्चों को माइनस कर दें तो हमारी प्रॉफिट की इक्वेशन बन जाती है। तो आइए स्टूडेंट इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो प्रॉफिट बराबर होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस के। तो स्टूडेंट्स, फिर हम आपसे बात करते हैं कि अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को देखें, इन दोनों अकाउंट्स को देखें, तो पोजीशन एग्जैक्टली हमारी वही बनती है। रेवेन्यू जो पॉजिटिव है इसमें से अगर हम लेस करें एक्सपेंसेस, तो अगर आपकी आमदनी ज़्यादा है और खर्चे कम हैं तो आपका जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि आपका मुनाफा होगा। तो मैं अगर इस इक्वेशन को स्टम प्रॉफिट से रिप्लेस कर दूं तो इसमें कोई मुजायका नहीं है। तो अब जो हमारी इक्वेशन की पोजीशन है, तो एसेट्स बराबर हो जाते हैं हमारे पास लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट, जो कि हम इस इक्वेशन से हासिल करके लाए। अब सवाल ये पैदा होता है स्टूडेंट्स कि इक्वेशन तो इस पोजीशन में आ गई, तो याद कीजिए हमने आपके साथ जो डिस्कशन की थी कि ऑनर्स इक्विटी बेसिकली
खाली कैपिटल नहीं है, ओनर्स इक्विटी का मतलब ये है कि मालिक से जितना भी पैसा ताल्लुक रखता है, चाहे वो उसने लगाया हो लाकर, जिसे हम कैपिटल की सूरत में जानते हैं, चाहे उसने बिजनेस करके कमाया हो, तो मालिक के पैसे में दोनों की दोनों चीज़ें आती हैं। तो मैं इस हवाले से एक इक्वेशन लिख सकता हूं कि ओनर्स इक्विटी बराबर होती है कैपिटल के प्लस जो भी हमारा मुनाफा है। तो स्टूडेंट मतलब यह है कि वो पैसा जो मालिक ने लगाया और वो पैसा जो मालिक ने कमाया, दोनों ताल्लुक मालिक से ही रखते हैं। तो स्टूडेंट इसी इक्वेशन को मद्देनजर रखते हुए अगर मैं आपसे बात करूं तो कैपिटल प्लस प्रॉफिट बनते हैं ऑनर्स इक्विटी के। तो एसेट्स यहां आपका बराबर हो जाता है लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी। तो स्टूडेंट ये आपकी इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो इसका मतलब ये है कि जो बेसिकली हमारे पास ऑनर्स इक्विटी है, इसमें भी हमारी दो चीज़ें शामिल हैं, जिसमें आपका कैपिटल भी शामिल है और जिसमें आपका प्रॉफिट भी शामिल है। तो स्टूडेंट इस तरीके से वो दोनों अकाउंट्स भी इस अकाउंट में एडजस्ट हो चुके हैं और ये तमाम के तमाम पांच के पांच हेड्स ऑफ अकाउंट्स आपकी इक्वेशन का इस सूरत में हिस्सा बन गए। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।